नमस्कार, कंचन खाना खजाना में आज आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से पोहा। तो पोहा बनाने के लिए हमने ये सबसे पहले जो पोहा लिया है इसको धो लेते हैं। देखिए पोहा हम इस तरह से धोएंगे, ऊपर से इस तरह से पूरी तरह से पानी डाल करके पोहा अच्छी तरह से भीग जाए। देखिए पोहा धुल गया है और इसी के ऊपर हम छलना रख देंगे और बाद में इसे यूज करेंगे। तो चलिए अगला स्टेप लेते हैं। पोहा धुल गया है और अब ये नीचे पानी इस तरह से छनता रहेगा। अब हमने लिया है ये धनिया, लिया है हमने ये कटा हुआ टमाटर, ये कटा हुआ छोटा कटा हुआ प्याज और ये मूंगफली, और ये है हमारे पास, आप सरसों भी ले सकते हैं और राई भी ले सकते हैं, और ये है हमारे पास थोड़ी सी हल्दी भी यूज करेंगे, ये नमक और ये कटी हुई हरी मिर्च। तो चलिए ये हम डेकोरेशन के लिए सेव ले रहे हैं। आप आलू भुजिया, सेव, किसी भी तरह से डेकोरेशन के लिए ले सकते हैं। तो चलिए पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा रिफाइंड डाल लेते हैं। लीजिए ऑयल गर्म हो गया है, सबसे पहले ये सरसों सीड्स जो हमने आज राई ली है, आप सरसों सीड ले सकते हैं। लीजिए ये क्रैकर हो चुकी है, अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं थोड़ा सा ब्राउन करने के। देखिए प्याज हमारा ब्राउन होने लगा है, हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, एक मिनट और चलाएंगे। लीजिए प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह भून गए हैं। ये हरी मिर्च और ये हमने मूंगफली जो ली है ये रोस्ट ही ली है, अगर आप कच्ची मूंगफली ले रहे हैं तो पहले रोस्ट कर लें। लीजिए बहुत अच्छी तरह से मसाला हमारा रेडी हो गया है पोहा के लिए, और ये अब हम डालते हैं इसमें टमाटर। नमक, आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप उसमें नींबू डाल सकते हैं, हमने टमाटर नहीं डालना है क्योंकि हमारे पास नींबू अवेलेबल नहीं था। तो चलिए मसाला हमारा पोहा का तैयार हो गया है। देखिए पोहा जो छलने में रखा हुआ है इसे ऐड कर लेते हैं। आंच हमने धीमी कर ली है और मिक्स कर लेते हैं, साथ ही धनिया सब्जी मिक्स कर लेते हैं। अब धीमी आंच करके करें। लीजिए पोहा हमारा रेडी हो गया, गैस हम बंद कर देंगे और सर्व कर लेते हैं। बहुत आसान तरीके से बहुत ही जल्दी पोहा तैयार हो गया है, हेल्दी और स्वादिष्ट पोहा। तो आइए ये सर्व कर लेते हैं। लीजिए लीजिए हमने पोहा सर्व कर लिया है। ये हमारे पास सेवइयां हैं, आप किसी भी तरह की ऊपर डाल सकते हैं, चाहे आलू भुजिया, चाहे सेव भुजिया, जो आपको अच्छी लगे उसी तरह से आप करें, खाएं, स्वादिष्ट चीज बनाएं और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला पोहा आप बनाएं, खाएं। अगर आपको हमारी बनाई हुई चीजें पसंद आ रही हैं तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।